कोयला चोरों ने किया सीआईएसएफ पर हमला। सीआईएसएफ की बंगाल तथा निरसा कैंप की टीम ने संयुक्त रूप से ईसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत निरसा कोयलरी के राजा कोयलरी में औचक छापेमारी की, जिसके बाद वहां दर्जनों की संख्या में अवैध कोयला चुन रहे कोयला चोर उनको देखकर भागने लगे। भागने के क्रम में कुछ कोयला चोर गिर पड़े और चोटिल हुए। इसी दौरान सीआईएसएफ की टीम ने कुछ कोयला चोर को घटनास्थल से ही पकड़ा, जिसके बाद बाहर खड़े उनके साथी आक्रोशित होकर सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिए और उन्हें जमकर पत्थरबाजी की। अवैध कोयला चुनने वालों ने बताया कि सीआईएसएफ की टीम ने दो लोगों को मौके से ही पकड़ लिया था, पर उन्हें थाना के हवाले न कर बहुत बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद उनके साथियों ने उसे बचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों की टीम पर पथराव किया। इस घटनाक्रम में सीआईएसएफ की लगभग चार गाड़ियों के शीशे टूट गए। घटना के बाद निरसा थाना की गश्ती दल घटनास्थल पर पहुंचकर विधि व्यवस्था बनाए रखने में जुटी दिखी। वहीं सीआईएसएफ की पूरी टीम निरसा थाना पहुंचकर पूरी घटना की लिखित शिकायत थाने में कर रही है।